मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर वन रीड करेंगे हिंदी ग्रामर में, भाषा। ठीक है, हिंदी व्याकरण में हम भाषा चैप्टर पढ़ेंगे। रवि ने अतुल से कहा, कल हम आगरा गए थे। दिव्या ने माँ को बताया, हमारे स्कूल में कल एक जादूगर ने खेल दिखाया। ग्राहक ने पूछा, भैया प्याज कितने रुपए किलो है। इन तीनों में हम देख रहे हैं कि यहाँ रवि और अतुल, यहाँ दिव्या और माँ, और यहाँ ग्राहक और दुकानदार आपस में बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत के लिए वो उनके पास जो साधन है वह साधन भाषा कहलाता है। हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं वह साधन भाषा कहलाता है। तो देखिए, ऊपर दिए गए चित्र देखकर समझा जा सकता है कि अपनी बात कहने और दूसरों की बात सुनने के लिए हम आपस में बात करते हैं। दूसरों की बात समझने के लिए, सुनने के लिए और अपनी बात कहने के लिए हम आपस में बात करते हैं। तो अपनी बात समझाने के लिए और दूसरों की बात सुनने के लिए जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो वही बात हमारी भाषा कहलाती है। हम जो भी बात करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। हम जो भी बात आपस में करते हैं वही हमारी भाषा कहलाती है। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बात सुनते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बात सुनते हैं। हमारे घर के सभी सदस्य जो है हमें अपनी बात समझाने के लिए बोली का प्रयोग करते हैं, बात का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं। उन वाक्यों को सुनने के बाद ही हम उनकी बात का जवाब दे पाते हैं। तो जो हम आपस में बातचीत करते हैं वही हमारी भाषा कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले मौखिक भाषा अस्तित्व में आई, क्योंकि मौखिक भाषा का जो विकास है वो बहुत समय पूर्व ही हो चुका था। और जब मौखिक भाषा हमारे पास आई तो उसके बाद हमने लिखित भाषा बनाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा क्या है और उसके बाद उसके भेदों की बात करेंगे। तो देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात अब दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके मन की बात सुनते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात या उनके मन की बात को सुनते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाता है और दूसरों की बात को सुनकर समझता है। ठीक है, तो भाषा वही है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को सुनते और समझते हैं और सामने वाले की मन की बात को सुनकर समझा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो देखिए, योर वर्क इज वेरी फाइन। ठीक है, यहाँ एक जो कुम्हार है जिसके पास बहुत सारे बर्तन हैं और अगर कोई उससे अंग्रेजी में बात करेगा तो वो उसकी बात को नहीं समझ पाएगा। भाषा का कहने का मतलब है कि भाषा जो होती है वही सही लगती है जो हम एक दूसरे को समझा सके। जब भाषा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आती तो उस भाषा का कोई मतलब नहीं होता। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के मन की बात को सुनकर समझ सकते हैं। हमारे मन की बात दूसरों तक तभी पहुंच सकती है जब वे भी उस भाषा को जानते हो। हमारे मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति तक तभी पहुंच सकती है जब वे भी हम उस भाषा को जानते हो। यदि हम हिंदी भाषा का प्रयोग करें और कोई हमसे अंग्रेजी में बात करे और उसकी बात अगर हमारे समझ में नहीं आती है तो हम उसकी बात का जवाब नहीं दे सकते और ना ही उसकी बात को समझ सकते हैं। यदि किसी अनपढ़ मजदूर से अंग्रेजी में बात की जाए तो वह हमारी कही बात समझ ही नहीं पाएगा। अगर किसी अनपढ़ व्यक्ति से यदि कोई अंग्रेज व्यक्ति अंग्रेजी में बात करेगा तो वो उसकी बात को नहीं समझ पाएगा, और जब वो उसकी बात को नहीं समझ पाएगा तो उसके लिए उसकी कही गई बात का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो किसी अनपढ़ मजदूर से यदि अंग्रेजी में बात की जाए तो वह उसकी बात को नहीं समझ पाएगा।